अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ साबूदाना खिचड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कप साबूदाना, 1 टीस्पून नमक, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च को रफली चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/4 कप हरा धनिया, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। ये जो साबूदाना है, देखिए ये इस तरीके का होता है, एकदम कड़क होता है। साबूदाने को कम से कम 5 से 6 घंटे भिगोते रखना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आएगा। 2 मीडियम साइज़ के आलू को हल्दी नमक डाल के बॉयल करके छील के इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। 1/3 कप सेंग लेंगे, जिसे कि मूंगफली भी कहते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल, भिगोने से पहले इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है, जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। साबूदाने को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे तो ये खिचड़ी एकदम चिपचिपी नहीं बनेगी, अच्छी खिली खिली बनेगी। साबूदाने को हमने 3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। साबूदाने का जो लेवल है उससे थोड़ा ही ऊपर तक पानी रखना है। देखिए इस तरीके से चम्मच में आ जाए, बस इतना ही पानी हमें इसमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब इसे ढक कर 6 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो ओवरनाइट के लिए भी सोख होने रख सकते हैं। 6 घंटे हो चुके हैं, अब देख लेते हैं हमारे साबूदाने सही तरीके से भीगे हैं या नहीं। साबूदाने भीगने के बाद अच्छे से फूल जाते हैं, ये अपनी साइज से डबल हो जाते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। इसे मैश करके देखते हैं तो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्लेम पर पैन को रख देना है, उसमें सेंग डाल के मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेना है। थोड़े से सेंग बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। बस हल्का सा रोस्ट करना है कि सेंग के छिलके थोड़े अलग होने लग जाए, बस गैस को बंद कर देना है। 1 प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेंग जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाए, उसे अपने हाथों से क्रश करके उसके छिलके उतार लेना है। मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है, बस 1 से 2 बार ही घुमाना है। 1 पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के गर्म होने देंगे, जो हमने सेंग बचा लिए थे वो इसमें डाल के इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। लो फ्लेम पर बस हल्का सा ही रोस्ट करना है, बस हल्का सा, बस इतना ही रोस्ट करना था। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसमें हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जैसे ही तड़कने लग जाए तो 2 हरी मिर्च हमने जो चॉप की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा स्टर कर लेना है। अब हम इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां कद्दूकस की हुई और 1/2 इंच का अदरक कद्दूकस किया हुआ ऐड कर देंगे। स्टर कर लेना है तब तक कि जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ते, स्टर कर लेना है। हल्दी और नमक डाल के जो आलू को हमने बॉईल किया था, उसके पीसेस किए थे, वो आलू इसमें ऐड कर देंगे। स्टर करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। आलू बॉइल्ड है तो उसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है, भून लेना है। अब हमें इसमें साबूदाना ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है अच्छे से। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे मिलाते चलाते हुए रहना है।
दरदरा सा पिसा हुआ सेंग ऐड कर देंगे। चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है। चम्मच चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। अब इसमें ऐड करना है नींबू का रस। लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं लीड हटाकर। साबूदाने हमारे पक चुके हैं, आलू भी हमारे उबले हुए थे तो वो भी पके हुए हैं। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। हमने जो थोड़े से सेंग ऑयल में फ्राई किए थे वो इसमें डाल देना है और अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से खिले खिले साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। फ्लेम को बंद कर देना है। अब 1 मिनट ढक कर रख देना है। 1 मिनट बाद हम साबूदाना खिचड़ी सर्व करेंगे। एक सर्विंग बॉल लेना है और उसमें हम सर्व करेंगे साबूदाना खिचड़ी। खिली खिली साबूदाना खिचड़ी तैयार है। तो देखा आपने, खिली खिली साबूदाना खिचड़ी तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।